के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं बोल रहा है कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। देखिए, ये चुनाव एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और पार्टी हाईकमांड चुनाव के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुने लोग प्रतिनिधि अपने नेता का निर्णय करेंगे। अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएगी तो बीजेपी का दावा रहेगा सीएम? नहीं, अभी तो मैंने जो कहा ना कि पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो निर्णय करेगा। और एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो? देखो, जब होगा तब पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व वो निर्णय करेगा। एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2019 में जब महाराष्ट्र में सत्ता स्थापना का जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बड़े उद्योगपति शामिल थे, उस चर्चा में मध्यस्थता कर रहे थे। शरद पवार जी ने भी ये बात कबूली है कि ऐसी सब चर्चाएं चल रही थी एनसीपी को साथ लेने की। तब मुझे तो जानकारी नहीं है ना, मुझे कोई उद्योगपति इन्वॉल्व हुआ उसकी जानकारी नहीं और मुझे पता नहीं। नितिन जी, आप अपने हर भाषण में कहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया, तो आने वाले 5 सालों में आपका क्या एजेंडा महाराष्ट्र के लिए होगा, वोटरों को क्या बताएं? देखो, महाराष्ट्र सुखी समृद्ध और संपन्न बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हुआ तो खेती में और उद्योगों में प्रगति और विकास होगा और महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर जाएगा। आज भी महाराष्ट्र सभी बातों में आगे है, आगे रहेगा, और उसके लिए हम सब लोग मिलकर दिल्ली में महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल, क्या आप सोचते हैं महाराष्ट्र में कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी या महायुति जीतेगी? मुझे लगता है कंफर्टेबल मेजोरिटी हमारे महायुति को मिलेगी और हमारा ही मुख्यमंत्री होगा।